ये बहुत ज्यादा गाइस फीकी फीकी सी बनी है। ये सेम मैगी है, ये मैगी ही है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड यू आर वाचिंग दी अदितीज वर्ल्ड। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम अप विद एन अनदर फन एंड इंटरेस्टिंग फूड चैलेंज। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी डूइंग आई ओनली एट अनट्राइड नूडल्स फॉर लेजिट 24 आवर्स। सो आज की इस वीडियो में मैं सारे वो नूडल्स ट्राई करने वाली हूँ जो कि मैंने पहले कभी भी टेस्ट नहीं किए, जो कि सारे अनट्राइड हैं फॉर मी। सो हियर आई हैव माई बैग जिसमें मेरे पास सारे नूडल्स हैं जो भी मैं इस चैलेंज के लिए लेके आई हूँ। सो मैं पहले आपको एक मिनी सा हॉल दे देती हूँ, लाइक मैं आपको सारे नूडल्स दिखा देती हूँ कि इस वीडियो के लिए हमारे पास कौन कौन से नूडल्स हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है ये टॉप रेमन करी सॉसी फ्लैट नूडल्स। सो ये वाले नूडल्स आपने बहुत जगह पे देखे होंगे एंड शायद आप में से बहुत लोगों ने इसे ट्राई भी किया होगा, बट मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया एंड मैंने इसे बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो में देखा था एंड तभी से आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई। सो या मैं इसे लेके आई हूँ एंड ये हमारे जैसे नॉर्मल मैगी या कोई भी नूडल्स आते हैं वैसे नहीं होते हैं, ये फ्लैट नूडल्स होते हैं। सो या फर्स्ट है ये, देन इसके बाद है ये मैगी देसी चीज़ी। सो इसे भी ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव चीज़ एंड मैंने इसे भी एक भी बार ट्राई नहीं किया है ऑब्वियसली। सो इसका मैंने चटपटा टमाटो टेस्ट किया है एंड देसी चीज़ी एंड यमी कैप्सिकम मैंने ट्राई नहीं किया है। सो या अभी हम इसे भी आज ट्राई करने वाले हैं। सो कैप्सिका वाला भी मैं सोच रही थी कि यमी कैप्सिका भी मिले बट वो था नहीं तो मैं इसे ही ले आई। सो या सेकेंड नूडल्स है ये, देन इसके बाद थर्ड है हमारे पास ये चिंग्स सिंगापुरी करी इंस्टेंट नूडल। सो ये चिंग्स का है एंड या अगेन मैंने इसे भी कभी ट्राई नहीं किया है, लेट्स सी कि ये कैसा होता है। सो थर्ड था ये, देन इसके बाद अगेन मेरे पास है ये मैगी का ही मसाला ओट्स नूडल। सो मैंने ये ओट्स नूडल्स भी कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने व्हीट वाला ऑब्वियसली ट्राई किया हुआ है एंड ये कभी नहीं किया है। सो लेट्स सी ये भी कैसे होता है एंड ये थोड़ा हेल्दी भी है। सो फिफ्थ नूडल है हमारे पास अगेन चिंग्स का। सो ये है चिंग्स शेजवान, सिर्फ इसमें ये शेजवान लिखा हुआ है एंड कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो या ये है चिंग्स शेजवान नूडल्स। सो या तो टोटल मेरे पास यहाँ पे है 5 नूडल। सो जैसे कि हम सारे चैलेंजेस में ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक एंड डिनर करते हैं, सो हमें 4 ही नूडल चाहिए थी पर मेरे पास 5 हैं। सो लंच में हम 2 बना लेंगे एंड सारे नूडल्स अनट्राइड हैं तो मैं अपने भाई के साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि उसके लिए भी सारे अनट्राइड हैं। सो हम दोनों ने ही साथ में मिलकर ये सारे नूडल्स चूज किए थे। सो या सो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है एंड राइट नाउ इट्स 9 o'clock, एग्जैक्ट 9 o'clock है एंड ये बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए टॉप रेमन करी। सो या मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए इसे ही बनाने वाली हूँ। सो या लेट्स गो एंड इसे पहले बना लेते हैं। ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं हमारे किचन में, हम फटाफट से अब हमारे नूडल्स बना लेते हैं। सो बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। सो या लेट्स गो। ये नूडल बन के रेडी है एंड अभी मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है, अभी मैं ऑन कैमरा इसे टेस्ट करने वाली हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैट नूडल हैं, सो यार ये उसी तरह से हैं एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा गाइस फीकी फीकी सी बनी है। इसका जो मसाला था वो उतना ज़्यादा लाइक टेस्ट मेकर उतना ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं थी, कम लग रहा था मुझे। बट यार लेट्स सी ये कैसी बनती है एंड ऑल्सो ये करी है बट मेरी ये ड्राई हो गई है, मुझे इसमें थोड़ा पानी रखना चाहिए था। बट यार कोई नहीं, अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ।
टेस्टी है गाइस ये। खाली खाली देखने में लग रहा था कि ये जो टेस्ट मेकर है वो कम रह गया, बट ये मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है एंड बहुत अच्छे से टेस्ट आ रहा है। एंड भैया भी आ रहा है, सो लेट्स सी कि उसे ये कैसी लगती है। मुझे तो अच्छी लग रही है एंड मैं ऐसे और ज़रूर लेके आऊँगी। एंड ऑल्सो गाइज इसमें क्वान्टिटी भी सेम मैगी जैसे मिलती है, बट ये 20 रुपीज़ की आती है। सो मैगी 10 रुपीज़ की, 12 रुपीज़ की आती है एंड ये 20 रुपीज़ की, तो 8 रुपीज़ ही ज़्यादा है। एंड ये टेस्टी है, सचमुच में टेस्टी है। यदि आपने ट्राई नहीं की हो एंड आपको कहीं ये मिले तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे तो ये अच्छी लगी एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को ये अच्छी लगेगी। एंड जो लोग इसे ट्राई कर चुके हैं उनके मुँह से मैंने यही सुना है कि ये अच्छी लगती है एंड मुझे भी अच्छी लगी है। सो या अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपको मिलूँगी लंच टाइम में। सो लंच टाइम के लिए अभी तो मैंने सोचा नहीं कि मैं कौन सी नूडल बनाऊँगी, बट ये देसी चीज़ ही तो पक्का बनाऊँगी एंड इसके साथ भी मैं कोई एक और नूडल बनाऊँगी। सो वो हम लंच की लंच टाइम से ही देखेंगे। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। सो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि लंच के लिए मैं ये देसी चीज़ ही बनाऊंगी मैगी की। सो मैं इसे बनाने वाली हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि लंच के लिए मैं दो नूडल्स बनाऊँ। सो सेकेंड मैंने ये निकाली है चिंग्स की शेजवान नूडल्स, तो मैं सोच रही हूँ इसे भी बना लूँ। सो दोनों ही मैंने ट्राई नहीं किए हैं, लाइक ऑब्वियसली ये चैलेंज ही वही है। सो या मैं सोचती हूँ कि ये दोनों बना लूँ। सो या फटाफट से चलते हैं एंड बना लेते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों में से कौन सी ज़्यादा टेस्टी है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये देसी चीज़ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, लेट्स सी। तो चलिए फटाक से बनाते हैं। पे ये दोनों नूडल रेडी कर ली हैं। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये है देसी चीज़ी। सो पहले मैं इसे ही ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने पहले बना ली थी एंड ये थोड़ी स्टिकी भी हो गई है। सो गाइस ये नूडल को जब मैं कुक कर रही थी तो एकदम बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। खुशबू से तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी लगती है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो टेस्ट मेकर है वो कम है, देखते हैं कैसी। ओके गाइस सो टेस्टी है ये, बट उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं है जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मेकर थोड़ा कम दिया है इन्होंने एंड सच में ये कम था। सो थोड़ा और टेस्ट मेकर होता तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, या फिर आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड सॉल्ट ऐड करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट लगेगी। सो या 10 में से मैं इसे 7 रेट करूँगी। सो आप टेस्ट करते हैं ये है चिंग शेजवान नूडल्स। सो या एंड ये हॉट है अभी क्योंकि इसे मैंने बाद में बनाया था। सो गाइज ये वाले जो नूडल है ये स्पाइसी है एंड टेस्टी है, बट इसमें जो सॉल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यदि सॉल्ट आप ज़्यादा खाते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट है, मेरे हिसाब से सॉल्ट थोड़ा कम होना चाहिए था। एंड जब आप इसे खाओगे तब इतनी स्पाइसी नहीं लगेगी, बट मुझे यहाँ पे थ्रोट में बहुत ज़्यादा स्पाइस फील हो रहा है।
टेस्टी है ये देसी चीज़ से ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो या मैं इसे 10 out of 8 रेट करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एंड या ये ज़्यादा टेस्टी है। सो या मैं फटाफट से अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम सो हंग्री। ओके गाइस, सो डन विद द लंच एंड नाउ आई सी इन माय इवनिंग स्नैक। बाय। हे गाइस, सो नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक। सो फॉर इवनिंग स्नैक मैं सोच रही हूँ कि मैगी का ये मसाला ओट्स नूडल्स ट्राई करूँ। सो ये ओट नूडल्स हैं, एंड ऑब्वियसली मैंने इसे भी कभी नहीं खाया है पहले। सो या पहले मैं इसे बना के लाती हूँ, मैं आपको अब नहीं दिखाने वाली हूँ इसे बनाते हुए, क्योंकि बाकी सारी नूडल्स जैसे बनती है वैसे ही ये बनने वाली है। सो मैं फटाक से बना के आती हूँ। ओके गाइस, सो हियर आई हैव माय दिस ओट मैगी रेडी। सो ये वाली जो मैगी है इसमें बहुत अच्छे से सारे लाइक वेजीज हैं, कैरेट है इसमें, स्वीट कॉर्न है, एंड शायद अनियंस भी हैं। एंड ये वाली जो मैगी थी वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी, लाइक ऑब्वियसली जैसे आटा मैगी डार्क होती है वैसे ये भी ओट्स मैगी है। सो या एंड ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं पिक इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। एंड अब मैं फटाफट से इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी लगेगी। अभी तो बहुत गर्म है। टेस्टी है गाइस ये। जब मैंने इसका कलर देखा था मैगी का, तो मुझे भी और भैया को भी लगा था कि ये बिल्कुल टेस्टी नहीं होगी शायद, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो या अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना इवनिंग स्नैक। सो राइट नाउ इट्स 8 o'clock एंड इट्स टाइम फॉर लास्ट मील ऑफ द डे। सो डिनर के लिए मैंने बनाया है ये चिंग्स सिंगापुरी करी। सो क्योंकि यही हमारे पास लास्ट बची थी, सो मैंने इसे ही बनाया है, एंड ये बनकर रेडी भी हो चुकी है। सो इसका जो टेस्ट मेकर था ना गाइस, वो सेम मैगी जैसा था, एंड जब ये कुक हो रही थी तो इसकी जो स्मेल थी वो भी सेम मैगी वाली थी। सो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि क्या ये एग्जैक्ट मैगी है या फिर कुछ डिफरेंट है। सो या लेट्स ईट इट। तो गाइस ये थोड़ी स्टिकी भी हो गई है, जबकि ये अभी हॉट है, पर फिर भी ये स्टिकी हो गई है क्योंकि मैंने इसे एकदम ड्राई बनाया हुआ था, इसलिए शायद। सब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। तो गाइज ये सेम मैगी है, ये मैगी ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया इन लोग ने। सो जैसे मैगी पहले आती थी ना, जब थोड़ा ज़्यादा टेस्ट मेकर आता था बैन होने के पहले, तब जैसी मैगी आती थी एग्जैक्ट वही टेस्ट है। अब तो टेस्ट मेकर बहुत कम देने लगे हैं एंड उतना टेस्टी नहीं लगती है, बट जैसे पहले आती थी बैन होने के पहले वैसी मैगी है एग्जैक्ट। बस इसमें ये थोड़े से इन्होंने मिक्स हर्ब्स डाले हुए हैं, सो वो आ रहे हैं बीच में। एग्जैक्ट मैगी है बट। सो ये ऑब्वियसली ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ये मैगी है, एंड क्योंकि अनट्राइड नूडल्स का चैलेंज था तो मैंने इसे लिया, वरना ये एग्जैक्ट मैगी का टेस्ट है। ओके गाइस, तो अब मैं फटाफट से अपना ये फिनिश कर लेती हूँ, एंड इसी के साथ हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे डे की लास्ट मील है। ओके गाइस, सो डन विद द डिनर एंड हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। सो होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लिटरली डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लिटिल बेल बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो। And also guys, if you are watching this space for the very first time, do not forget to check all the videos linked below. And now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys.